दिल्ली में आंधी का असर दिखा, जमीन से आसमान तक 24 फ्लाइट्स डायवर्ट, सड़क पर वाहन चालक रहे परेशान। बीजेपी ने मनाया अपना 39वां स्थापना दिवस, सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम हाउस पर लहराया पार्टी का झंडा। आज ही के दिन 1980 में हुई थी बीजेपी की स्थापना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी की स्थापना दिवस के मौके पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर बोला हमला, कहा मोदी जी के डर से सांप नेवला कुत्ते बिल्ली साथ आ गए। तीन दिवसीय यात्रा पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे भारत, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने किया स्वागत। पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल के पीएम की है ये पहली विदेश यात्रा, दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने को लेकर होगी बातचीत। फिल्म अभिनेता सलमान को जेल में बितानी पड़ेगी शुक्रवार की रात, जोधपुर कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला शनिवार तक के लिए रखा सुरक्षित। अभिनेता सलमान खान से मिलने अभिनेत्री प्रीति जिंटा पहुंची जोधपुर, विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी जोधपुर पहुंचकर सलमान से की मुलाकात। धनबाद में दो भाइयों में हुआ जानलेवा संघर्ष, बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी तलवार और बाद में खुद ने भी फांसी लगाने की कोशिश की, घायलों को गंभीर अवस्था में पीएमसीएच में कराया भर्ती। राजस्थान के दौसा के पाटोली में सड़क हादसा, हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, तीसरे भाई की हालत गंभीर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जयपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से महिला जनसुनवाई का आयोजन, आयोग की सदस्य सुषमा साहू और सुषमा कुमावत ने महिलाओं की समस्याएं सुनकर किया निराकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को मुंबई बीजेपी की स्थापना दिवस के मौके पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी की लोकप्रियता की तुलना बाढ़ से करते हुए कहा कि उनके आगे सभी पेड़ धराशायी होकर गिर गए हैं। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह बाढ़ के पानी से बचने के लिए नेवला बिल्ली कुत्ते शेर चीता सब एक नाव पर सवार हो जाते हैं, ठीक उसी तरह मोदी लहर को देखते हुए विपक्षी पार्टियां भी साथ आ गई हैं। बाद में हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी मंशा जानवरों के साथ विपक्षी दलों की तुलना करने की नहीं थी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान कांकड़ी शिकार मामले में 5 अप्रैल से जोधपुर की जेल में बंद हैं। जेल में बंद सलमान खान से मिलने अभिनेत्री प्रीति जिंटा जोधपुर पहुंची और जेल में जाकर सलमान खान से मुलाकात की। वहीं विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया भी जोधपुर जेल में पहुंचकर सलमान खान से मिले। देश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आज 38 साल की हो गई है। 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी राजनीतिक पार्टी बनकर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हुए है और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। बीजेपी का 39वां स्थापना दिवस, 38 साल में बीजेपी बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। देश भर में आज बीजेपी जोरों शोरों से मना रही है स्थापना दिवस। 1984 में महज 2 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन 2014 में 282 लोकसभा सीटों पर काबिज हुई बीजेपी। बीजेपी की केंद्र सहित 21 राज्यों में सरकार। बीजेपी का सुनहरा दौर। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। 34 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज बीजेपी अपने सुनहरे दौर में आ पहुंची है। महज 2-4 राज्यों में सरकार बनाने वाली बीजेपी आज पूरे देश में भगवा लहरा रही है। 2014 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने का मुकाम भी हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, उत्तर भारत की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने
पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बहुमत हासिल करके ये साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है। स्थापना दिवस के जश्न के साथ ही बीजेपी ने 2019 का चुनावी बिगुल बजा दिया है। जश्न के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है बीजेपी। दुनिया के राजनीतिक पटल पर मात्र 34 साल की उम्र में अपने बलबूते के ऊपर पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाई हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। शायद भारतीय जनता पार्टी पहला उदाहरण है। और 38 साल पूरे होते होते जिस देश के नक्शे पर मात्र 3-4 राज्यों में हम राज शासन में होते थे, वो संख्या बढ़कर के 19 राज्य तक पहुंची हो, ऐसे उदाहरण भी कम मिलते हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं की पूरी सदस्यता का ये पार्टी, ये भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नाते पहचान बनी है। ये सब संभव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के कारण से, जिनकी संगठन के प्रति निष्ठा, विचार के प्रति आस्था और उनकी सक्रियता और पार्टी के आगे कामों के प्रति विश्वास, उसके कारण ही संभव हो पाया है। आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ और दूसरे राजनीतिक दलों ने महागठबंधन किया और जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन पार्टी में आंतरिक कलह के चलते अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गया और 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ। वर्तमान में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति दल के तौर पर केंद्र सहित 21 राज्यों में सरकार बनाकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उसे बीजेपी के लिए इस कीर्तिमान को बनाए रखना इतना आसान नहीं होगा। उपचुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है, वहीं बगावत के सुर भी तेज होने लगे हैं। निश्चित रूप से ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी सांसद विधायक की पार्टी नहीं है। ये पार्टी उन करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो अपना समय, पैसा, श्रम सब लगा करके इस पार्टी के लिए काम करते हैं। आगे भी हमने वो समय देखा है जब केवल 2 सांसद थे और शायद दुनिया के पटल पर 5 साल में 86 सांसद तक पहुँची होगी इतिहास में पार्टी ने रखा है। मुझे विश्वास है कि आम जनता के प्रति जिस प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं, हमारा नेतृत्व चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का हो, वो नेतृत्व एक तरह से अनमैचेबल है। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, आम आदमी से जुड़े विषयों को लेकर के निश्चित रूप से आम जनता का विश्वास हमने ग्रहण किया और आगे भी उस विश्वास को बनाए। 2014 लोकसभा चुनावों में मोदी लहर ने देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद को तोड़कर देश को पूर्ण बहुमत की सरकार दी और इसी के साथ बीजेपी ने एक नए युग की शुरुआत की। बहरहाल देश में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए अपने कीर्तिमान को बनाए रखना आसान नहीं है। जयपुर से न्यूज इंडिया के लिए पिंटू सिंह नरुका की रिपोर्ट। जयपुर के बीजेपी पार्षद अशोक गर्ग से बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी के मंत्री विधायक अपने ही कार्यकर्ताओं से झगड़ा करने लगे हैं, बीजेपी की लड़ाई उनके घर में ही शुरू हो गई है। उन्होंने इस घटना को चिंता का विषय बताया है। पार्षद के साथ जो बदतमीजी हुई है, एक मिनट, भाजपा पार्षद के साथ जो बदतमीजी हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, एमएलए अब अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से के साथ हाथापाई कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी के घर में आपस में झगड़ा चालू हो गया है। क्योंकि बीजेपी सरकार अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं रख पा रही है, अब जो कार्यकर्ता आवाज उठाता है उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, ये गलत है। और बीजेपी को सबक लेना चाहिए और बीजेपी नेतृत्व को देखना चाहिए कि सरेआम उनके पार्षदों की पिटाई नेताओं के सारे पर हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद अब 10 अप्रैल को भारत बंद और आरक्षण को लेकर एक चर्चा छिड़ गई है। वहीं मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरक्षण पर अपनी नीति साफ कर दी है। केंद्र सरकार आरक्षण की समीक्षा पर कोई पुनर्विचार नहीं करेगी। वहीं 10 अप्रैल को भारत बंद पर चतुर्वेदी ने अपील करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था सामाजिक कार्यों के लिए है, हम सबको मिलजुल कर सौहार्द का वातावरण बनाए रखना चाहिए। पहली बात तो संघ ने अपना विषय विचार पूरी तरह स्पष्ट किया है कि संघ की बात को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का अधिकार किसी को नहीं, केवल संघ अपने विषय को स्पष्ट करे। दूसरी बात जहाँ तक की है, केंद्र सरकार ने बार बार कहा कि आरक्षण के बारे में कोई समीक्षा, किसी प्रकार का प्रचार, पुनर्विचार नहीं चल रहा, यह आरक्षण फर्म है और फर्म ही रहेगा। इसको अभी भी रविशंकर प्रसाद जी ने केंद्र सरकार के नाते से अपना मत व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी भी बार बार इसको मत को व्यक्त कर चुकी है। दूसरा, मेरी अपील है आपके माध्यम से, मैंने उस दिन भी कही थी, आज भी दोहराता हूँ, ये संपूर्ण समाज, हम सब मिलजुल करके देश बनता है, समाज बनता है,
जाति व्यवस्था सामाजिक कामों के लिए है। मिलजुल करके हम सब सौहार्द के वातावरण को बनाए रखें। निश्चित रूप से लोकतंत्र में अपने विषय को रखने का सबको अधिकार है, लेकिन शांति और सौहार्द नहीं टूटना चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए। इस देश की ब्यूटी है, हम सब की ताकत है, उसको बनाए रखें। परमाणु नगरी पोकरण के वार्ड नंबर 10 में जलदाय विभाग की भारी लापरवाही कॉलोनी निवासी भुगत रहे हैं। शहर के रामदेव कॉलोनी और रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 10 में पिछले गत 10 दिनों से ज्यादा से भी पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिसको लेकर वार्ड वासियों में रोष व्याप्त है। वहीं शहर के वार्ड नंबर 8 में जलदाय विभाग की ओर से गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति की गई। हाल ही में शहर में सीवरेज लाइन की खुदाई का कार्य भी चल रहा है, जिसके चलते लापरवाही के कारण जगह जगह पर पानी की लाइन को तोड़ दिया गया है। के अंदर पोकरण शहर के रामदेव कॉलोनी व रेलवे कॉलोनी के पास में दूध डेयरी, जिसमें स्थानीय निवासी है, विगत 15-20 दिन हो गए पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बताया गया पीएचडी के, तो भी उसको ठीक नहीं करवाया गया। यहाँ पे हॉस्टल भी चल रहा है छात्रों का, और स्थानीय निवासी जिनको बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है, टैंकर पानी का डलवाना पड़ रहा है, और इस गर्मी के अंदर इस हाल में अगर यही हालत रही तो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि 2-3 दिन में इसको सही करवा के और इस समस्या का हल निकाला जाए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी द्रव्यवती परियोजना के तहत सिविल कांता कॉलोनी और अन्य कॉलोनियों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम दस्ते ने कार्रवाई करते हुए द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में 150 फीट चौड़ाई के बीच आने वाले मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। उधर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निगम रसूखदारों को बचाने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि नदी के केंद्र बिंदु को लेकर हाईकोर्ट ने निगम के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी। ऐसे में निगम अपनी मनमर्जी से सीमांकन करते हुए जबरन मकान तोड़ने पर आमादा है। इस दौरान लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। झारखंड मंत्रालय में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड विषय पर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के आला अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए आयोग, निगम आदि को वित्तीय शक्ति प्रदान की जाएगी। राज्य में आदिवासी सहकारिता निगम, अनुसूचित जाति आयोग को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। अभी पिछड़ा वर्ग के लिए भी वित्त निगम बनाया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को छोटे मोटे उद्योग व्यवसाय के लिए आसानी से लोन देने की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि मानव सूचकांक में वृद्धि लाकर ही सच्चे अर्थों में विकास के लक्ष्य को पाना है। बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, पुलिस महानिदेशक डीके पांडे, 19 जिलों के उपायुक्त, नीति आयोग के संयुक्त सचिव सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। देवघर समेत गोड्डा और जामताड़ा के लोगों को इस बार के ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा पेयजल उपलब्ध करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कई नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। देवघर में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षक अभियंता की ओर से अंचल स्तरीय बैठक की गई। बैठक में देवघर, गोड्डा और जामताड़ा जिले के सभी विभागीय पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र में चल रही कई योजनाओं के प्रगति पर चर्चा की गई, उसे जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। साथ ही ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए हर गांव में पेयजल के माध्यम को दुरुस्त कर पेयजल नई योजनाओं पर भी कार्य शुरू करने का दिशा निर्देश दिया गया है। खास करके अभी जो ग्रीष्म ऋतु है, उस ऋतु में पेयजल की सुविधा कैसे अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जाए, अधिक से अधिक चापाकल को चालू रखा जाए, की भी हम लोगों को रणनीति तय करनी है। विभाग की तरफ से बहुत सारे मार्गदर्शन दिए गए हैं, उन मार्गदर्शनों में कैसे काम करना है, ये सब की को डिसाइड करने के लिए ही हम लोग आज बैठे हैं। हाँ, यदि प्रशासनिक सहयोग, आम जनता का सहयोग मिला तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे देवघर अंचल के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न होगी। देश और राज्य में चल रही सरकारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और बीजेपी भगाओ नारे के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगामी 23 अप्रैल से 1 मई तक बीजेपी भगाओ बिहार बचाओ जनाधिकार यात्रा करेगी। राज्य के 5 केंद्रों से यात्रा निकाली जाएगी और गांधी मैदान में 1 मई को जनाधिकार सम्मेलन किया जाएगा। वहीं पार्टी आगामी 10 अप्रैल को विश्वासघात दिवस भी मनाएगी।
दूसरी ओर जो चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का समापन 10 तारीख को मोदी जी मोतिहारी में कर रहे हैं, हम समझते हैं यह भी एक बड़ा विश्वासघात है। जिस चंपारण में अभी भी बड़े बड़े जमींदार और चीनी मिलों के पास में लाखों लाख एकड़ जमीन मौजूद है, तो जमीन उनसे बांटने के बजाय अंग्रेजों का जो बनाया गया कानून था कोर्ट ऑफ वार्ड्स, उसके तहत आज जो है करीब 10,000 से ज़्यादा बेदिया महाराज की ज़मीन पर जो गरीब रूप से बसे हैं उनको उजारने के लिए नोटिस दी गई है। तो इसलिए हम लोग 10 तारीख को दोनों चंपारण में विश्वासघात दिवस के तौर मनाएंगे और 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बेतिया में हम लोग भूमि अधिकार मार्च। और पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये बिहार के वो जिले हैं जिन्होंने बीते कुछ महीने में राज्य के सबसे बड़े सड़क हादसे देखे हैं। ये हादसे दोबारा ना हों और बेकसूर लोगों की जान न जाए, इसके लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है, जिसके तहत बिहार की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की स्पीड को कम करने के लिए उनमें स्पीड गवर्नर लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले अगले एक महीने में राज्य के सभी स्कूल बसों में इसे लगाया जाएगा, जबकि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी कॉमर्शियल वाहनों में इसे लगाए जाने का लक्ष्य है। जमशेदपुर से सटे कपाली क्षेत्र में मेयर पद के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसको लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने जनसंपर्क अभियान कर पार्टी के उम्मीदवार की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मेयर पद पर निखित परवीन को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए सोनू सिंह चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों की स्थिति को मजबूत प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रचार चंद्रवंशी दीक्षित के द्वारा जनसंपर्क अभियान कर लोगों की समस्याओं को सुना गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ सारा माहौल हमको लग रहा है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर काम हुआ है, विकास के काम हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का छवि जो है एक विकास पुरुष की यहाँ पर बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने सबको गले लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश की उन्नति हम करें और सबको साथ लेकर के करें। अगर एक भी व्यक्ति छूट जाता है, अगर एक समाज छूट जाता है, तो देश उन्नत नहीं हो सकेगा, वो फिर उसी हालात में रह जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना है, मानना है कि जो समाज भारत में रहता है उन सब लोगों को लेकर के हम लोग चलें और भारत को आगे विश्व गुरु बनाने के लिए सबको साथ लेकर के हम। पटना की मगध यूनिवर्सिटी शाखा कार्यालय में जाप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में तालाबंदी की। मगध यूनिवर्सिटी पर वोकेशनल कोर्स की बीएड की परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने पर आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से दोबारा परीक्षा लेने की मांग की है। मथुरा के बरसाना पुलिस ने रौनक राजपूत हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनू को 6 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद देर रात स्थानीय लोगों की भीड़ ने थाना परिसर में घुसकर न केवल हंगामा काटा और तोड़फोड़ की। इस दौरान थाने में बंद हत्या के आरोपी पर जानलेवा हमला किया गया, वहीं बचाव में आए मुंशी की साथ भी मारपीट की गई। वहीं हंगामे के बाद थाने पर काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि 11 अक्टूबर 2017 को रौनक राजपूत का शव थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर विलासगढ़ की पहाड़ी में मिला था। परिजनों ने हत्या का आरोप कोटला वन चौकी पर तैनात प्राइवेट रसोइये सोनू और वहां तैनात कुछ पुलिस कर्मियों पर लगाया था। इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर मृतक के परिजनों ने कई बार आंदोलन भी किया था और हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। अब करीब 6 महीने बीत जाने के बाद गुरुवार की रात को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना में पूर्व में हत्या का अभियोग पंजीकृत है, रौनक नामक लड़के की हत्या का मामला दर्ज था। इसी परिप्रेक्ष्य में कल एक अभियुक्त संदेही अभियुक्त को लाया गया था सोनू नाम के, जिसकी जो यहाँ पर कार्यालय में बैठा था उसी समय एक सिंह का लड़का और मृतक का भाई वो आया और उसके
साथ अभद्रता की इस पर हमारे पुलिस जनों ने जब देखा तो उसको बाहर कर दिया कि आप इसी तरीके से खाने न करें। इसके साथ में कोई काला शर्ट पहने और एक लड़का था जिसने जाके अफवाह फैला दी कि इनके नितिन सिंह के साथ मारपीट हो गई। इस पर उनके पारिवारिक जन और 10-15 लोग और यहाँ पर आ गए। समाज के हर वर्ग को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्राइवेट विद्यालयों पर नकेल कस रही है। तरह तरह की फीस और किताबों के जरिए की जाने वाली लूट को रोकने के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं, लेकिन इस आदेश को प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधकों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और बेफिक्र होकर पहले की तरह लूट में व्यस्त हैं। सरकारी आदेश का निजी विद्यालयों पर कितना असर है ये जानने के लिए न्यूज इंडिया ने कुशीनगर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय को चुना, लेकिन करीब 6,000 छात्र छात्राओं की संख्या वाले इस विद्यालय के कैंपस में कदम रखते ही पत्रकारों की आंखें फटी की फटी रह गई। मजबूरी में विद्यालय से ही खरीदी गई किताबों के थैले लिए तमाम अभिभावक मिले। अभिभावकों ने साफ शब्दों में कैमरे पर बताया कि उन्हें विद्यालय प्रशासन द्वारा यहीं से किताब खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और उसके मैंने काफ़ी किताब लेने के लिए मैं विद्यालय में आया था, तो मैं पेंसिल कटर वगैरह मैंने थोक में लिया हुआ था ऑलरेडी पहले से, लेकिन जबकि विद्यालय पर जब मैं आया था, यह जबरन जो है हमें पेंसिल कटर कवर इत्यादि जो है जबरन दिया जा रहा है। मैंने इस चीज़ को आपत्ति किया तो कह रहे हैं कि यहाँ से लेना ही होगा, बगैर लगे लिए बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद से फिर मैंने प्रिंसिपल साहब से इसकी शिकायत किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हमारे देखरेख में नहीं चल रहा है। मैंने इस बात की अवगत कराया कि आपके कैंपस में चल रहा है। आज जिला अधिकारी महोदय के यहाँ अभिभावकों द्वारा लिखित शिकायत की गई कि संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाढ़ा आटा जो है यहाँ पर खुद का स्टेशनरी और जो है किताबें बेची जा रही हैं स्कूल के द्वारा, और ज़बरदस्ती फौसले अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है देने के लिए। तो उसी को छानबीन के लिए हम औचक निरीक्षण किए, जिसमें प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि 4 दिन यहाँ के लिए यहाँ बेचा जा रहा था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। मौके पर विशेष कुछ सामग्री नहीं मिली है, लेकिन उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि 4 दिन यहाँ बेची। इसमें हमें जो है DIOS और BSA दोनों से बात हुई थी, तो इस तरह का वो कोई होने की कोई स्कूल जो है फोर्सली कुछ भी नहीं बेच सकता है। मथुरा के जिला चिकित्सालय की महिला कर्मचारियों ने CMS सहित दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों पर कमीशन के गंभीर आरोप लगाए हैं। संविदा महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि उनसे बात बात पर कमीशन मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं करने पर परेशान किया जा रहा है, वेतन तक रोक दिया जाता है। MD के आदेश हैं कि 5 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन कमीशन नहीं देने पर उनका वेतन ही रोक दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जो है हॉस्पिटल संचालित वो तो नहीं करते हैं, पर यह कि कुछ काम उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं, उनमें NHN कर्मियों का सुपरविजन और इनकी अटेंडेंस वगैरह भेजना, तो इसमें जो है श्रीमती सविता शर्मा जो NHM कर्मी है संविदा द्वारा, संविदा पर इनकी अटेंडेंस नहीं भेजी गई है। आपको लगता है कि जो मेरी जानकारी में आज आया है इसमें मैं सुधार करा रहा हूँ और अटेंडेंस इनकी भेजवा रहा हूँ। वो हमारे किशोर सर जी हैं, उन्होंने कहा है कि इस साल किसी का लॉयल्टी बोनस और जो एरियल मिल रहा है वो अभी सैलरी किसी की भी नहीं बनाई जाए। नहीं, पैसे मांगे गए आप लोगों से कुछ? नहीं, अभी नहीं मांगे, अभी तो वो उन्होंने बनाना से ही बना कर दिया है। अच्छा, पर लास्ट ईयर तो किसी ने नहीं मांगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो मिला था वो। नहीं, 30% के लिए तेरे मैटरनिटी लीव निकला। हाँ, मैटरनिटी लीव पे मांगा था 30%, मैंने दिए नहीं तो वो मुझे आज दिन तक कभी मिली ही नहीं है। 30% रिश्वत ना देने की वजह से आपको अभी तक मैटरनिटी लीव का पैसा रिलीज नहीं हुआ है? नहीं। परेशानियों से पहले मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ परेशान मैं ही नहीं हूँ, सभी हैं। ये मेरे साथ डिंपल है, इसे पूछ लीजिए आप जी, और भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं मेरे सब। यहाँ सैलरी कभी किसी की अटेंडेंस नहीं भेजाती, कभी किसी को कुछ बोला जाता है, कभी किसी को कुछ। हर प्रॉब्लम यहाँ है तो औरतों के साथ है, मेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ CMS मेल है। मेल एक जगह बैठते हैं, बातें करते हैं, हम इनके साथ तो नहीं बैठ सकते क्योंकि एक दायरा होता है हम लोगों के बीच में। प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल ये हुआ कि जब डिंपल ने मुझे बताया कि उसकी सैलरी आ गई है कल, तो मैंने सोचा कि मेरी भी आ गई। आज मैं अपनी पासबुक घर से लाई और मैं जब ऑफिस के थोड़े कम काम हुआ तो मैं वो एंट्री कराई तो देखा मेरी सैलरी नहीं आई है। तो मैंने कॉल की अपने जो यहाँ से अटेंडेंस जाती है जहाँ सैलरी बनती है, उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपकी डॉक्टर किशोर माथुर के द्वारा मना कर दिया है, कुछ लिख के भेजा गया है, सैलरी नहीं बनी है। UP के देवरिया जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग का बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है।
जिस कारण पूरे विभाग में अंधेरा छाया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि बिजली नहीं होने के कारण पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। कर्मचारी इस भीषण गर्मी में कमरों में बैठने को मजबूर हैं। वहीं जब लेखा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि 10-12 दिन से बिजली कटी हुई है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, सारे काम बाधित हैं। वैकल्पिक व्यवस्था में जनरेटर चलाया जा रहा था, लेकिन कितने दिन जनरेटर भी चलाया जा सकता है। सर, आपके प्राथमिक विद्यालय में कई जगह जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं, जहाँ टीचर वहाँ बच्चे नहीं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, समायोजन आया था, माननीय न्यायालय से स्टे हो गया, अब नया सत्र का जैसे आएगा तो उसको सही करा लिया जाएगा। कटी है सर 10-12 दिन से हो गए, और इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा होगा। हाँ, सारे काम बाधित हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर चलाया जा रहा है। कितना दिन चलाया जा रहा है? कितने का बकाया है? जमशेदपुर के जूलॉजिकल पार्क में दो मोर झूमते दिखाई दिए, जिसमें वहां का नजारा ही बदल गया। सैलानियों ने इस पल को अपने कैमरे में कैद किया। ये मोर वहां मौजूद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। जमशेदपुर का जूलॉजिकल पार्क इन दिनों उदासीनता का दंश झेल रहा है। पिछले दिनों जू में जानवरों की मौत से जहाँ एक तरफ जू में जानवरों की कमी देखी जा रही है, तो वही दूसरी तरफ सैलानियों का आना भी कम हो गया है। अब इक्का दुक्का लोग ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ जू की सैर करते नजर आते हैं, लेकिन ऐसे पार्क में दो मोर के जोड़े झूमते नजर आए, जिसे देख वहां मौजूद सैलानियों ने एक पल को यादगार बनाने के लिए अपने मोबाइल में कैद करने की होड़ लग गई। एक कहावत के मुताबिक मोर के झूमने के बाद मौसम करवट लेता है, ऐसा ही कुछ जमशेदपुर में देखने को मिला, जहाँ दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर था। वही मोर के झूमने के बाद मौसम ने करवट बदली और मूसलाधार बारिश के बाद मौसम फिर से सुहाना हो गया। इस पल को यादगार बना रहे सैलानियों का कहना है कि इससे पहले हम लोगों के द्वारा मोर को नृत्य करते कभी नहीं देखा गया था। जो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना था, आज वह नजारा हमारी आंखों के सामने था, जो हम लोगों के लिए कभी ना भूल पाने वाला पल होगा। बहुत अच्छा लगा मोर का डांस, मतलब पहले नहीं देखे थे, आते थे लेकिन देखने नहीं मिला था, फर्स्ट जो देखने मिला, बहुत ही अच्छा लगा देख के। अच्छा लगा मोर का डांस देखने को मिला हम लोगों को, और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग को आते समय ये नज़ारा देखने के लिए मिले, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जमशेदपुर में छोटा सा जू है, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा, बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, और आके बड़ा अच्छा लगा। पहली बार आया था, देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या देखे? इसका डांस जो है, पंखा जब बिछा रहा था जैसे, बहुत अच्छा लगा। खुश हो? बहुत खुश। फिर आएगा? हाँ, फिर आएगा। मोर का नृत्य और मौसम में बदलाव से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। न्यूज इंडिया के लिए जमशेदपुर से लाला जबी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।